तो क्या आप भी अपने रूबिक क्यूब में ऐसा पैटर्न चाहते हैं? तो उसके लिए जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करना है आपको। सेट रूबिक क्यूब लेना है और उसके बाद जैसा मैं स्टेप कर रहा हूँ वैसे करना है आपको। ऊपर वाले कोने को नीचे वाले कोने के साथ मिला के ऐसी घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। तो उससे वो वापस सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन जो बीच में वो जो पैटर्न भी बनता है जैसे आप देख सकते हो तो पीछे बना है। तो अब ये हम अगले दूसरी जगह में भी बनाएंगे। तो ऐसे करके करके हम पूरे रूबिक में पैटर्न बनाएंगे और ये खुद से सॉल्व भी हो जाएगा। मैं कैसे दिखाऊंगा लास्ट में। तो अभी इधर तरफ देख सकते हो पैटर्न बन गया। अब बस ऊपर ब्लू में बनाएंगे तो इधर बन जाएगा अच्छा वाला पैटर्न। तो पैटर्न बन रहा है और तो ये बन गया पैटर्न। तो अब इसको वापस रिसॉल्व करना, मतलब सॉल्व करना वापस इसको, तो उसको ऐसे ऐसे करना है। कोई भी कोने जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में करा था वैसे ही करना है। वैसे घुमाते 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 आपका जो रूबिक क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। तो सॉरी मुझे थोड़ी सर्दी है। तो अब देख सकते हो अब मेरा पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व होने वाला है। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी है इसलिए लॉन्ग में चले गई, शॉर्ट में नहीं आ पाई ये वीडियो। तो आप देख सकते हो रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया। थैंक यू।